पूरे देश ने, देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सब ने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए, घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि तीन चीजें हुई हैं। एक, दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा, कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। मुझे प्रियंका जी ने कहा था कि मैं आपके संज्ञान में लाऊं, वो है कि अयोध्या के जो मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, उनके एक और भतीजे हैं जो भाजपा के आईटी सेल के नेता भी हैं। हम उनका प्रोफाइल भी आपको रिलीज कर रहे हैं। उनका नाम है दीप नारायण उपाध्याय, ये उनका फेसबुक प्रोफाइल है। वो और इन्होंने लिखा है कि ये मेयर साहब जो हैं ये इनके मामा हैं, इसी इसी के दूसरे पन्ने पर उन्होंने लिखा हुआ है। तो हम आपको ये भी रिलीज कर रहे हैं। इन महाशय ने एक और जमीन खरीदी 20 फरवरी 2021 को, वो ये सेल डीड है, और ये खरीदी इन्होंने 20 लाख रुपए में। उसके 79 दिन के बाद इसी दीप नारायण ने, जो भाजपाई मेयर का भतीजा है, यही जमीन 20 लाख की 2.5 करोड़ में बेच दी राम मंदिर ट्रस्ट को। इस पर भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन सब के दस्तखत हैं। तो एक चपत ये और लगा दी मंदिर के पैसे की चोरी की। एक फिर तीसरा है, इसी उपाध्याय साहब ने एक गिफ्ट डीड ले ली एक और जमीन की मुफ्त में, ये वो है, ये भी हम आपको भेज रहे हैं, 676 वर्ग मीटर है। और फिर 20 फरवरी 2021 को ये भी 2 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच डाली गई। तो चंदे की चोरी का इससे बड़ा, ये 10 के 10 कागजात सेल डीड सहित हम आपको भेज रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।